ये तेरी जुल्फ़ें चेहरे पर आती हुई अच्छी नहीं लगती, इन्हें खुद अपने हाथों से हटा दूँ क्या। ये तेरी जुल्फ़ें चेहरे पर आती हुई अच्छी नहीं लगती, इन्हें खुद अपने हाथों से हटा दूँ क्या। एक बात है जो तुझसे बोलना चाहता हूँ काफ़ी दिन से, तुम इजाज़त दो तो तुम्हें बता दूँ क्या। और क्या देखते हो आसमान में उस चाँद को तुम कहो तो तुम्हें आईने में दिखा दूँ क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर की कुछ बेहतरीन चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करती हैं, ठीक है। हाँ जी, जिनका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। भाई स्पीच के अंदर जो भी हम फिगर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच। इनको बोला जाता है साथियों पोइटिक डिवाइसेस, ठीक है। पोइटिक डिवाइसेस भी इन्हीं को बोला जाता है, या कहा जाए भी इनको लिटरेरी डिवाइसेस। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना, ठीक है भाई। इंग्लिश के हर सेगमेंट के अंदर, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो लेसन्स हो, चाहे फिक्शन है, डिक्शन है, वट एवर, ठीक है, उस हर किसी पार्ट के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है ताकि लैंग्वेज हमारी सुंदर दिखाई दे। तो सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच है मेरे साथियों, वो हम लिखते हैं, वो जो फिगर ऑफ स्पीच हमारे सामने है उसको बोला जाता है साथियों सिमली। क्या बोलते हैं भाई हम? सिमली। देखो, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे हम, दो या तीन फिगर ऑफ स्पीच बड़े बिंदास तरीके से हम इसमें समझेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश भाषा की बिल्कुल जान है साथियों, ठीक है। इंग्लिश को सुंदर बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिमली ऑर्नामेंट्स इनको आप कहते हैं, ठीक है, हिंदी में आप इनको अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से एक दुल्हन बिना गहनों के, बिना जेवर के, बिना मेकअप के सुंदर नहीं लगती, भी दुल्हन को जितनी ज़रूरत होती है मेकअप की, गहनों की, ठीक, उतनी ही ज़रूरत हमारी भाषा को होती है इन ऑर्नामेंट्स की, भी इन फिगर ऑफ स्पीच की। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारी है साथियों सिमली। जो सिमली होती है, ठीक है, टीज एन, ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा सा ब्लैक करते हैं, इट इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सिमली क्या होती है भाई? इट इज़ एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई डिफरेंट काइंड्स होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए आपके? डिफरेंट काइंड्स, यानी एक ह्यूमन बींग है तो दूसरा भाई पशु से किसी की तुलना की जाए, ठीक है, किसी नॉन लिविंग से तुलना कर दी जाए। एक लिविंग हो, एक नॉन लिविंग हो, एक इंसान हो, एक जानवर हो, ठीक है, किसी भी तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए भी? डिफरेंट, ठीक है। और ये जो कंपैरिजन होता है, ये होता है भी विद दी हेल्प ऑफ दी वर्ड्स लाइक, सो, और क्या होता है साथियों? एज। लाइक, सो और एज। जैसे मैं लिखूं, लाइक बी सी इज लाइक अ रोज, सी इज लाइक अ रोज। अब सी और रोज भी दोनों ही डिफरेंट काइंड के दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है,
लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, लेकिन दोनों के बीच में जो एक कंपैरिजन है ना वो है किसको भी ब्यूटी को लेकर, कि जो सी है ना वो कैसी है भी रोज़ की जैसी है। रोज़ किसके लिए जाना जाता है? अपनी खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो कैसे, क्या यूज हुआ है साथियों? लाइक, क्लियर है, ठीक है, लाइक। आप इसको और अच्छे से भाई समझना चाहें, ठीक है, सुनना चाहें, तो आपने सॉन्ग सुना होगा भाई, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ठीक है, ये सॉन्ग आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस सॉन्ग में फूलों सा मतलब फूल नहीं है, फूलों सा है, ठीक है, उसके जैसा है भी, फूलों के जैसा है, ठीक है। आगे हम लिखते हैं भाई, मैंने लिखा भाई दाई सोल इस लाइक अ स्टार, दाई सोल इज लाइक अ स्टार, थाई मीन्स योर, ठीक, पुरानी इंग्लिश में दाई किसको बोलते हैं भाई? योर को, तो हम ऐसे लिख लेते हैं योर सोल, राइट। अब ये स्टार सोल की कंपैरिजन किससे हुई है भाई? स्टार से। कंपैरिजन को हेल्प कौन कर रहा है भाई? हमारा वर्ड जो लाइक हमारा वर्ड है भाई, ये इसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक और अगर हम एग्जांपल लें, ओ माई लव, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन इट इट इज, इट वॉज कोटेड बाय रॉबर्ट बर्न, रॉबर्ट बर्न भी, रॉबर्ट बर्न नाम के एक राइटर हैं आपके, ठीक है, स्कॉटिश राइटर हैं शायद, तो उन्होंने कहा है भी ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, ये उनकी एक पोइम भी है छोटी सी जिसकी फर्स्ट लाइनें ही ये हैं। तो लव की तुलना वो किससे करें भाई? ओ माई लव, लव अपनी प्रेमिका को यहाँ पर कह रहे हैं, और लाइक का कंपैरिजन, लाइक के साथ कंपैरिजन वो कर रहे हैं, और किसके साथ है तुलना भाई? रेड रोज के साथ में, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों सिमिली, ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल हम लें, तो मैंने लिखा भी लाइफ इज एज टीडियस, टी ई टी आई ओ यू एस, एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, यस, लाइफ इज एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। तो इसके अंदर भी एज वर्ड का यूज हुआ है, तो क्या है? सिमिली है। लाइफ का कंपैरिजन किससे किया भी? एक ऐसी टेल से, ठीक है, जिसको दोबारा सुना गया भी। टेडिस का मतलब क्या होता है बच्चों? टेडिस का मतलब होता है भी ड्रीरी, थकाऊ, ठीक है। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिमिली, जब कंपैरिजन किया जाता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट काइंड होते हैं भाई, राइट, और कंपैरिजन को हेल्प करता है भी लाइक सो या एस। आई थिंक आपको ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेरे साथियों अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ हम चलते हैं, वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती ही है, बिल्कुल इससे मिलती जुलती है वो। और वो है भाई मेटाफर। क्या है दोस्तों? मेटाफर, ठीक है। अब मेटाफर और सिमिली बिल्कुल एक जैसी हैं दोनों, बस हल्का सा इनके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन था, ये है भाई किसी का भी डायरेक्ट कंपैरिजन, इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। और इसके अंदर भाई जो वर्ड्स आपके थे जैसे लाइक एज और सो,
इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, ये बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम किसी डिफरेंट काइंड के जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कि तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, आपने सॉन्ग सुना है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आस की है तू। तो साथियों, तू मेरी जिंदगी है, यानी यू आर, क्या लिखा हमने, यू आर माय लाइफ, यू आर माय लाइफ। हमने उस यू को सीधे क्या बोल दिया, तुम मेरी जिंदगी हो। ठीक है, तुम मेरी जिंदगी हो। ठीक है, अब पीछे वाले अगर एग्जांपल से हम लें, हमने कहा, वहाँ कहा था सी इज़ लाइक अ रोज, हम यहाँ कहते भी सी इज़ अ रोज, भाई हमने उस सी को सीधे क्या बोल दिया, रोज। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। देखो यहाँ पे यू क्या है, लिविंग है, लाइफ, नॉन लिविंग, यहाँ पे भी भाई वही चीज़ हो रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ, मैं कहता हूँ भाई राहुल वॉज अ लाइन इन द फाइट, राइट, तो क्या कहा हमने, राहुल वॉज अ लाइन। अब हमने कहा राहुल वॉज अ लाइन, ये नहीं कहा कि राहुल वॉज लाइक अ लाइन। ठीक है, अगर लाइक वर्ड हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी सिमली हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंपेरिजन है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राहुल को हमने सीधे क्या बोल दिया, लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर राहुल का डायरेक्ट कंपेरिजन किससे हुआ है, लाइन से, ना ही इसमें कोई सो एज लाइक वर्ड यूज हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों मेटाफर, क्या बोलते हैं, मेटाफर। भाई एग्जाम्पल इनके भाई और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, हम कहीं भी लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, बेसिक लाइफ को क्या बोला, ड्रीम। ठीक है, कोई लाइक सो एज वर्ड यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन लाइफ को बोल दिया हमने ड्रीम, भाई लाइफ एक ड्रीम की तरह है। ठीक है, आपने सुना होगा द कैमल इज, सॉरी, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, भाई कैमल को हमने क्या बोल दिया सीधे, शिप है भाई, कहाँ का, डेजर्ट का। ठीक है, अब ये होता है भी आपका मेटाफर, जब हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ में, डायरेक्ट कंपैरिजन ये होता है, ना ही उसके अंदर लाइक वर्ड यूज़ करते हैं, ना सो यूज़ करते हैं, और ना ही मेरे साथियों एज वर्ड उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था भाई, मेटाफर, राइट। तो इससे आगे जो एक और आज के लिए हम कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ये देखो दोस्तों छोटे छोटे ये प्रयास हैं, हो सकता है भाई कुछ को अच्छे ना लगें, कुछ को अच्छे लगें। ठीक है, लेकिन हमारा मानना ये है कि बस हमें सीखना चाहिए, भाई टीचर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, जो भी सिखा दे वही टीचर है। ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो आपका एक फ्रेंड हूँ, बस अपने प्रयास में जारी कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है भाई हमारा पर्सोनिफिकेशन, तीसरे नंबर पर क्या है साथियों, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि व्हेन एन इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब होता है भाई नॉन लिविंग तो थिंग होती है, खैर बींग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, व्हेन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक एन
एनिमेट वन, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन बना है भाई, देखो पर्सोनिफिकेशन में क्या है, पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, ठीक है, मानव। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण, हाँ, करण अर्जुन नहीं, मानवीकरण। तो पर्सोनिफिकेशन भी जब किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बींग की तरह, एनिमेट का मतलब होता है बेटा लिविंग बींग, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बींग की तरह हम बिहेव करवाते हैं, ठीक है, फिर नॉन लिविंग थिंग का लिविंग बींग की तरह जब सेंटेंस के अंदर बिहेव होता है तो वहाँ पर क्या होता है भी पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, क्या होता है साथियों, पर्सोनिफिकेशन वहाँ पर होता है। जैसे मैं कहूँ भी एग्जाम्पल अगर लें, द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, ठीक है, द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। अब ट्रीज क्या है भाई, नॉन लिविंग है, लेकिन स्प्रिंटिंग वो भाग रहे हैं, स्प्रिंट का मतलब होता है टू रन फास्ट, ठीक है, स्प्रिंट। अब वो बिहेव कैसा कर रहे हैं, जैसा कि वो लिविंग बींग हो, भी भागने का काम किसका होता है, इंसान का होता है, लेकिन कर कौन रहा है, ट्री कर रहा है। तो ट्री को यहाँ पर क्या किया गया, अभी पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। हमने कहा अभी लव इज ब्लाइंड, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन, ठीक है। चलो मैं पूरी ही लिखता हूँ, खैर हमारा यहीं पे है ये, तो पर्सोनिफिकेशन, तो पूरी लिखता हूँ भाई, लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रीटी फॉलीज दैट themselves committed. With these lines are spoken by, Jessica to Lorenzo. एक आपका प्ले है, दैट प्ले इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड द टाइटल ऑफ द प्ले इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो इन मर्चेंट ऑफ वेनिस दिस कैरेक्टर लोरेंजो इज अ वेरी पुअर पर्सन एंड जेसिका इज द डॉटर ऑफ साइलोक हु इज अ मनी लेंडर, जो मनी लेंडर है भाई। और लोरेंजो इज डीपली लव्ड विथ जेसिका। सो जेसिका का जो फादर है वो उसकी शादी लोरेंजो नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए जेसिका भागने का प्रयास करती है लोरेंजो के साथ मिलकर, वो भागने में कामयाबी होती है। जब अपने घर से निकलती है तो जेसिका ने बॉयज़ के कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, बॉयज़ के कपड़े पहन रखे हैं। तो बॉयज़ के कपड़े जब वो पहने हुए हैं तो लोरेंजो को उसका वो भेष पसंद नहीं आता है, ठीक है, और वो उसको कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। तो उस टाइम पर ये बोलती है कि लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रीटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिटेड, राइट, कि लव इज़ ब्लाइंड। तो आप बेटा यहाँ पर ध्यान दो सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, लव इज़ ब्लाइंड। भाई ब्लाइंड होने की क्वालिटी किसकी है, ब्लाइंड होने की क्वालिटी है इंसान के, है ना, इंसान की क्वालिटी किसको दे दी, लव को। अबे लव कोई अंधा थोड़ी हो सकता है, लव की आँखें ही कहाँ होंगी, है ना। तो लेकिन हमने यहाँ पर लव की आँखें बना दी, वो क्वालिटी दे दी जो इंसान के अंदर होती है। तो लव को हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर पर्सोनिफाई हमने यहाँ पर उसको कर दिया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखिए, डेथ लेस हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। तो डेथ लेस हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स, विद डेथ के लिए हमने क्या यूज़ किया, हिज, तो क्या क्या इसका पर्सोनिफिकेशन किया हमने। दूसरी चीज़ क्या है भाई, हैंड्स किसके होते हैं भाई, हैंड्स तो इंसान के होते हैं, है ना, हैंड्स तो इंसान के होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसके हैंड बता दिए भाई, डेथ के हैंड बता दिए, ठीक है, डेथ के हैंड बता दिए, तो ये तो फिर गलत हो गया ना, यस। तो इसका मतलब क्या, डेथ का क्या क्या है भाई, पर्सोनिफाई इसको
किया गया है। तो ये था भैया आपका पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, क्या था, पर्सोनिफिकेशन। चलो मेरे साथियों एक और कर लेते हैं, बिल्कुल एक बहुत ही प्यारी फिगर ऑफ स्पीच है वो और कर लेते हैं और फिर आज की वीडियो का हम समापन समारोह करवाते हैं गीतों के साथ। नेक्स्ट जो आपका है भाई, नेक्स्ट हम आपका करते हैं अपोस्ट्रोफी। फोर्थ नंबर जो आपकी है वो क्या है, अपोस्ट्रोफी। क्या है भाई, अपोस्ट्रोफी। ये एक संबोधन होता है साथियों, क्या होता है भाई, संबोधन, ठीक है। आप कह सकते हैं भी इट इज एन एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है भी संबोधन। इट इज एन एड्रेस टू समवन डेड और अब्सेंट पर्सन बाई आइडिया एटसेट्रा, ठीक है। क्या होता है भाई, अपोस्ट्रोफी एक ऐसा एड्रेस होता है जो हम किसी की अब्सेंस में बोलते हैं, यानी उस इंसान की या तो डेथ हो चुकी है, ठीक है, या भाई वो वहाँ से क्या है, अब्सेंट है, ठीक है, या वो यहाँ वहाँ से क्या है भाई, अब्सेंट है भाई। एक ऐसा इंसान या तो जिसकी डेथ हो चुकी है या वो वहाँ से अब्सेंट, यानी वो वहाँ पर है ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ वहाँ किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, एग्जांपल लें हम, मिल्टन दाऊ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम। मिल्टन दाऊ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम। अब देखो मिल्टन एक इंग्लिश पोइट हुए हैं भाई, हु बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 46, है ना। ही इज द क्रिएटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट विच हैज़ 12 बुक्स। सो बातें अलग हैं। मिल्टन वॉज बोर्न इन 1608 एंड ही डाइड इन 1674, राइट। एंड दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय विलियम वॉर्ड्सवर्थ, विलियम वॉर्ड्सवर्थ। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय विलियम वॉर्ड्सवर्थ, ठीक है। इनकी एक पोइम थी भाई लंदन, लंदन 1802, ये एक पोइम थी इनकी 1802 में ही लिखी गई थी, लंदन 1802। ये इसको इसने एक और नाम दिया था भाई मिल्टन, ठीक है, मिल्टन। देखो वॉर्ड्सवर्थ मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, राइट। और मिल्टन की डेथ हो गई 1674 में और इसने ये चीज़ें लिखी भी 1802 में, क्योंकि इसका विलियम वॉर्ड्सवर्थ का जन्म है वो होता है भी 1770 में और इसकी डेथ होती है 1850 में, तो इस टाइम के बीच में ये टाइम आएगा 1802, उसमें इसने ये लाइनें लिखी हालातों को देखते हुए। वो क्या कहता कि मिल्टन दाऊ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम, कि वो मिल्टन तुम्हें इस समय होना चाहिए था। तो मिल्टन की तो डेथ हो चुकी है भाई, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी यहाँ पर यूज़ किया गया है साथियों। अपोस्ट्रोफी वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जो एक डायरेक्ट एड्रेस होता है किसी मरे हुए इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जिसकी डेथ हो चुकी है या भी जो वहाँ पर अब्सेंट है, ठीक है। एक और मुझे लाइनें याद आ रही हैं जो कि आपके विलियम शेक्सपियर साहब के प्ले से हैं, हेमलेट प्ले उनका है, फ्रेलिटी। यस फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, फ्रेलिटी, यस फ्रेलिटी, ये सॉरी बेटा ये नहीं आता यहाँ, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। इस दीज लाइन्स वर स्पोकन बाय हेमलेट, हेमलेट इन द प्ले हेमलेट विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, राइट। सो हेमलेट इन दिस लाइन्स ही इज ऑल अलोन, नो वन इज विद हिम, एंड ही स्पीक्स दिस लाइन्स व्हेन गर्ट्रूड
गर्ट्रूड इसकी मदर है भाई, ठीक है। व्हेन गर्ट्रूड मैरिड हिज अंकल क्लोडियस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, हेमलेट के फादर की डेथ